नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आई रुक करते हैं खबर की ओर। पलामू में रेलवे की पटरी पर पड़ी थी युवा की लाश, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस ने शुरू की जांच। शहर थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक से एक युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान नीमिया के रहने वाले राजेंद्र राम चंद्रवंशी के 25 वर्षीय पुत्र सुमित कुमार चंद्रवंशी उर्फ गुड्डून के रूप में हुई। पुलिस इसे दुर्घटना मान रही, जबकि मृतक के परिवार वाले इसे हत्या बता रहे। सुमित का शव 20 फुटा पुल रेलवे लाइन पर मिला। शौच के लिए गए लोगों ने शव देखकर पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद शहर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अरुण मेहता घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जांच की। मृतक के फूफा धर्मेंद्र राम ने बताया कि गुरुवार शाम 6 बजे घर से सुमित निकला था। रात 8:30 बजे घर के आसपास अंतिम बार देखा गया था। रात में घर नहीं आया। मृतक के मोबाइल फोन पर फोन किया गया तो पुलिस ने बिस्फुटा के पास बुलाया, तब उसके मौत की जानकारी मिली। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिवार वाले और मोहल्ले वासियों का कहना था कि उसकी हत्या पत्थर से कूच कर की गई है। दुर्घटना का रूप देने वाले शव को पटरी पर फेंक दिया गया। थाना प्रभारी मेहता का कहना है कि प्रथम दृष्टया मौत का कारण रेल दुर्घटना लग रही है। परिजनों के आरोप के मुताबिक भी अनुसंधान होगा। मृतक के मोबाइल फोन की जांच की जाएगी। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए ग्रीन लाइन न्यूज। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। लाल और पीला राशन कार्ड के हकदार होंगे। आयुष्मान योजना के हकदार प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष मुफ्त स्वास्थ्य लाभ। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, नवादा मोड़, दुर्गा मंडप के सामने, गढ़वा, झारखंड। रांची ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का ब्रांच गढ़वा शहर नारायणपुर टंडवा में खोला गया है। प्री नर्सरी से क्लास 6 तक नामांकन प्रारंभ है, जहां बच्चों के लिए डिजिटल व एसी क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब एवं बस की सुविधा उपलब्ध है। 9031474750 पर संपर्क करें।